यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात मेरठ की उस मां की, जिस पर लगा है ममता के रिश्ते को कलंकित करने का आरोप। आरोप है कि महिला ने अपनी हवस के लिए अपनी ही बेटियों को नींद की गोलियां देकर सुला दिया, लेकिन वक्त रहते उसकी पोल खुल गई और महबूब के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई वो कुमाता। बेहोशी की हालत में आंखें मूंद कर सोए इन मासूम बेटियों के चेहरे को दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन बताई जा सकती है वो वारदात जिसमें ये मासूम बेटियां अपनी मां से पूछ रही हैं कुछ सवाल। बेटियां मां से सवाल पूछ रही हैं कि मां मेरा कसूर क्या था, पूछ रही हैं मां तुमने ऐसा क्यों किया, पूछ रही हैं मां मेरी गलती क्या थी। बेटियों के इन सवालों के जवाब में मां का क्या जवाब है, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। थाने में हाथों से अपने मुंह को छिपाती हुई महिला को गौर से देखिए। ये वही महिला है जिसके पास अपनी तीन तीन बेटियों के मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं है। वजह है वो काली करतूत जिसका इल्जाम इस मुंह छिपाती हुई मां पर लगा है। मां ने बेटियों को नशे की दवाई दी। ये महिला मेरठ की वो मां है जिस पर लगा है कुमाता होने का आरोप, और कहा जा रहा है कि ऐसी मां से भगवान ही बचाए। दादा भाई क्या घटना हुई आपके साथ में? नशे की दवाई दी जाती है, मैं सुबह काम पे आता हूँ, 7 बजे तक दवाई दे, सो जाता हूँ, बच्चों को दवाई दी जाती है। नशा इतना है कि मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, लेकिन मेरठ के टीपी नगर में हुई महापाप की ये कहानी पूरी समझ आती है। मैं सुबह काम पे आता हूँ, 7 बजे तक दवाई दे, सो जाता हूँ, बच्चों को दवाई दी जाती है। ये कोई नई भाषा नहीं है जिसे आप किसी डिक्शनरी के जरिए समझ सकें, बल्कि ये लड़खड़ाती हुई जुबान रिश्तों को कलंकित करने वाली दास्तां को बयां कर रही है, और इस कहानी के पीछे मौजूद हवस के खेल को बता रही है जिसके लिए इस माँ ने अपने ही बच्चों को नहीं बख्शा। हवस में ममता को किया कलंकित। पूत कपूत सुने होंगे, लेकिन माता के कुमाता होने की ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। मेरठ के टीपी नगर में सामने आई इस सनसनीखेज वारदात की कहानी जानकर आप सन्न रह जाएंगे। वजह है हवस का वो खेल जिसके लिए एक महिला हर रिश्ते की सीमा को लांघ गई। मलियाना इलाके में शादाब ने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया है कि अपने आशिक के साथ रात बिताने के लिए उसकी पत्नी ने पहले तो नशे की गोलियों का सहारा लिया, नशे की गोलियां खिलाकर उसे बेहोश किया, और फिर अपनी बेटियों को भी नींद की गोलियां देकर सुला दिया। इसमें यह बताया गया है कि बच्ची है, बच्ची का पिता है, कि बच्ची की माँ ने कुछ खाने में कुछ मिला दिया है, तो उसकी वजह से लाया गया है। बच्ची के पिता को और बड़ी बच्ची जो है उसको थोड़ा सा अभी वो पूरी तरह होश में नहीं है, अभी उसका इलाज कर रहे हैं। फिलहाल तो नशे वाली बात जो कुछ खिलाने वाली बात सामने आ रही है उसकी वजह से बेहोश है। शादाब का कहना है कि देर रात उसने अपने घर में एक शख्स को दाखिल होते हुए देखा है। बदमाश समझकर आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी शादाब के रिश्तेदारों को दी, जिसके बाद शादाब के कुछ रिश्तेदार और क्षेत्र के लोगों ने बदमाश को पकड़ने के लिए शादाब के घर पर धावा बोल दिया। एक शादाब नामक व्यक्ति ने जो है एक प्रार्थना पत्र दिया जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया। उनका आरोप है कि उनकी पत्नी जो है उन्हें जो है नशीला पदार्थ जो है खिला करके और किसी वसीम नाम के किसी डॉक्टर से उनके अवैध संबंध हैं। इनका आरोप है कि जो है वो हमें नशीला पदार्थ दे करके
और उसके साथ जो है अवैध संबंध बनाती है। इस संबंध में जो है और जांच की जा रही है, अभी बच्चे भी शायद जो है उनको भी जैसा कि आया है कि बच्चे भी जो है वो नशे की हालत में हैं, जो है वो एडमिट कराए गए हैं। आरोप है कि इसी दौरान महिला ने घर में घुसे अपने प्रेमी डॉक्टर वसीम को बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद क्षेत्रवासियों को अपने हाथ की नस काट कर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगी, मगर लोगों ने हिम्मत दिखाकर चांदनी को दबोच लिया और उसका प्रेमी भी पकड़ा गया, जो पुलिस की गिरफ्त में खुद को पाक साफ बता रहा है। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, मिलने आ गया था, इन्होंने बुलाया था। कर क्या रहे थे जो आपको पकड़ा है? कुछ नहीं सर, मैं तो बैठा हुआ था सर, मैंने तो कोई दवाई नहीं दी। सुना आपने, आरोपी खुद पर लगे इल्जामों को गलत बता रहा है, लेकिन आधी रात को वो किसी दूसरे के घर में क्या करने गया था, इसका कोई जवाब नहीं। वहीं महिला भी पुलिस हिरासत में अपने मुंह को छिपा रही है, रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी को ढकने की कोशिश कर रही है। बलराम पांडे, एबीपी गंगा, मेरठ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे।